सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 न्यू ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉयड। तो आपको पता हो गई सही कि इस बार की जो हमारी न्यू गेम्स वाली वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। अब उसके पीछे ये रीज़न है ना, क्योंकि अभी जो है ना कुछ हफ्तों से, यानी कि 2-3 हफ्तों से है ना, हमको कुछ इतने खास गेम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं जो कि मोबाइल पर आए हैं। तो इसकी वजह से जो है ना मैं न्यू गेम्स वाली वीडियो नहीं बना रहा था। बट हाँ, अभी कुछ गेम्स मुझे देखने को मिले हैं तो मैं आपको वही गेम्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने सबसे बेस्ट गेम्स ही पिक करे हैं रिसेंटली के लॉन्च हुए। तो अब चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की लिस्ट को माइंड हंटर गेम के साथ, और गेम का साइज है 64 MB। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पोर्शन को स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है। क्योंकि जब मैंने इस गेम को देखा था ना, तब मुझे गेम में बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं लगा था, एंड मैंने तो लिटरली इस गेम को स्किप ही कर दिया था। बट फिर मैंने सोचा कि एक बार डाउनलोड करके प्ले कर ही लेते हैं, जब यहाँ तक इसको ढूंढ के पहुँचे हैं। तो फिर जब मैंने गेम को डाउनलोड करके प्ले करा ना, सही में इतना ज़्यादा अच्छा इस गेम का गेम प्ले है कि आप जो ग्राफिक्स है ना उसको तो भूल ही जाएंगे। क्योंकि है ना इतने अच्छे से इस गेम को बना है ना, कि मतलब आपको ग्राफिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि ग्राफिक्स तो आपको पिक्सल टाइप की देखने को मिलेगी, पर जो गेम की स्टोरी है, गेम प्ले है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट्स वाई जो है ना मैंने इस लिस्ट में इस मतलब गेम को रख दिया है, कि ताकि आप लोगों को भी इस गेम के बारे में पता चले। तो बढ़ाते हैं हमारी वीडियो को थोड़ा सा आगे, एंड बात करते हैं अल्टीमेट बैटल स्ट्राइक गेम की, और गेम का साइज़ है 75 MB। अब ये जो गेम है ना, बैटल ऑप्स का छोटा भाई है। यानी कि जब मैंने इस गेम को डाउनलोड करके प्ले करा ना, बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा कि मैं बैटल ऑप्स को खेल रहा हूँ। क्योंकि जो गेम है ना, उसका पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको बैटल ऑप्स जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कैंपेन मोड देखने को मिलेगा। अब वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारे गेमों में कैंपेन मोड देखने को मिलता है। बट जिस तरीके से इस गेम के अंदर में कटसीन आते हैं, या फिर गेम प्ले में जो है ना हमको कहीं कहीं पर जो है ना रेनबो टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा बैटल ऑप्स से कॉपी करा गया है। जब आप गेम को प्ले करेंगे ना, देन आप समझ जाएंगे। वैसे गेम के अंदर में अभी मल्टीप्लेयर नहीं है, बट हाँ वहाँ पर कमिंग सून है, यानी कि आपको मल्टीप्लेयर भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। पर अभी तो अभी नहीं आया, क्योंकि गेम अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, और आपको पता होगा कि बैटल ऑप्स में भी मल्टीप्लेयर लेट ही आया था। तो हमारा थर्ड प्लेस पर गेम है डाउन हिल लेजेंड, और इस गेम का साइज़ है 223 MB। अब ये जो है ना बेसिकली एक आर्केड टाइप का गेम है। यहाँ पर मतलब आपको बहुत ही सिंपल गेम प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में ना आपको एक बॉल है, उसी को जो है ना कंट्रोल करना है, जो कि बॉल जो है ना अलग अलग लोकेशंस, या फिर कहे तो अलग अलग बायोम्स से होकर गुजरेगी। लाइक कभी फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा, स्नो जैसी लोकेशन हुई, या फिर रॉकी माउंटेन्स, इस टाइप की बहुत सारी लोकेशन देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ आपकी जो बॉल है ना उसको कंट्रोल करके रखना है, और मतलब ऐसे ही चलाते जाना है। काफ़ी अच्छा जो है ना इस गेम का गेम प्ले है। एंड ना आपको ऐसी कोई फ्री टाइम में कोई अच्छा खासा गेम प्ले करना है ना, तो इस गेम को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गेम है ग्राफिक्स, गेम प्ले, सभी चीज़ के मामले में। एंड यहाँ जो हमारा अगला गेम है, उसका नाम है द रैम्प, और गेम का साइज़ है 101 MB। अब ये जो गेम है ना, ये भी एक आर्केड टाइप का ही गेम है। बट हाँ, अगर आपको स्केटबोर्ड चलाना या फिर स्केटबोर्ड टाइप के गेम खेलना पसंद है ना, देन इस गेम को आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। क्योंकि इसका जो गेम प्ले है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गेम की जो फिज़िक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी, यानी कि बिल्कुल आपको रियलिस्टिक टाइप की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आप जो है ना रियल स्केटबोर्ड ही प्ले कर रहे हैं। एंड हाँ, इसमें भी आपको अलग अलग चैलेंजिंग टाइप के जो है ना रैंप ये सब देखने को मिलेंगे। उसको क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं है। हाँ, बाकी एक और चीज़ ये है कि गेम के अंदर में ना आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको अनलॉक करना है, कोई स्कोर भी नहीं बनाना है, कोई मिशन भी नहीं करना है। यानी कि बेसिकली ये जो है ना एक सेटिस्फाइंग टाइप का गेम है ना। इसको भी आप जो है ना अगर फ्री टाइम में बैठे हैं, देन इसको भी इंजॉय कर सकते हैं आप। एंड फाइनली यहाँ हमारी लिस्ट का फर्स्ट गेम है स्पेशल फोर्स ग्रुप 3, और गेम का साइज़ है 942 MB। अब मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नाम ही SFG3 कर दूँ, क्योंकि यह गेम इतनी बार आ चुका है ना एक हफ्ते के अंदर में मेरी वीडियो में, कि शायद ही कोई गेम आया हो। पर सही में गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है ना आपको बिल्कुल एक रियलिस्टिक है ना गेम का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। गेम के अंदर में सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, तभी गेम का साइज़ 900 MB है। क्योंकि मैप्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, गेम के अंदर में मोड्स भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स भी गेम को प्ले कर सकते हैं, ऑफलाइन प्लेयर्स भी गेम को प्ले कर सकते हैं। गेम के अंदर में सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा, वो है लैंड मल्टीप्लेयर का, यानी कि आप इसको जो है ना अपने वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू भी किसी भी फ्रेंड्स इन सब के साथ प्ले कर सकते हैं।
अब इतनी बार इस गेम के बारे में बता चुका हूँ ना मैं कि अब मुझे एक एक चीज़ मुंह पे रटा गई है बिल्कुल। बट हाँ, गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे अभी ऑफिशियली आया नहीं है तो आपको मैं एपीके विज़न की लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग के बाद में, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, एंड अगर चैनल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।